शिवपुरी जिले में खुले में मीट मछली की दुकानें संचालित ना हो, इसके लिए नगर पालिका ने थीम रोड पर स्थित मीट मछली की दुकान पर कार्यवाही करने पहुंच गई, जहां पर दुकानदारों द्वारा इसका विरोध किया गया। दुकानदारों का कहना है कि वह नगर पालिका की सभी गाइडलाइन के अनुसार दुकान संचालित कर रहे हैं एवं नगर पालिका द्वारा अभी तक उन्हें दुकान भी आवंटित नहीं की गई है एवं नगर पालिका उनकी दुकानें बंद करा रही है, जिससे दुकान में काम करने वाले सभी परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या कुछ नगर पालिका, ये क्या कुछ मामला है? नगर पालिका कहना है ये थीम रोड पे मुर्गे की दुकानें नहीं खुलेंगी, ना चलेंगी। हमने यहाँ पर दुकानों पे पर्दे डाल लिए, कवर कर लिए पूरी तरीके से दुकान, कोई बंदा कोई बल्ब की रोशनी तक अंदर से बाहर नहीं दिख रही। उसके बाद भी नगर पालिका को प्रॉब्लम हो रही है कि ये दुकानें बंद करो। अब हम यहाँ दुकान चला रहे हैं, जो लड़के यहाँ काटने वाले हैं मजदूर वर्ग है, वो सब बेरोजगार हो रहे हैं। एक दुकान से चार परिवार बेरोजगार हो रहे हैं। इन लोगों का क्या होगा? कितने दिन से बंद है? 10-15 दिन से हम लोग परेशान हैं। 10-15 दिनों से हमारे लाइसेंस के लिए हमने आवेदन करा हुआ है, कोई जवाब नहीं है। नगर पालिका ने कोई हमें जवाब दिया ना ही लाइसेंस का कोई आवंटन किया गया है। और हमसे जो रिस्ट्रिक्शन दी है कि यहाँ पर आप इस तरीके से काम करो, हम पूरी तरीके से नगर पालिका के गाइडलाइंस में रहकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर दुकानों पे अभी ये आप देख लो, यहाँ पर ये पर्दे डले हुए हैं। पर्दे भी हमने डाल दिए थे कि बल्ब की रोशनी तक ना देखे कि अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय का कहना था कि हम आपको जगह देंगे मुर्गे की, अभी तक हमें ना जगह का आवंटन किया, कुछ भी नहीं दिया। बस ये कह दिया दुकानें बंद कर दो, घर बैठो और भूखे मर जाओ, कुछ भी मर जाओ, अपने घर वालों को भी भूखा मार दो। नगर पालिका को और सरकार को इससे कोई मतलब नहीं कि आदमी भूखा मर रहा है कि अपनी कमाई का कुछ देख रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं है। बस दुकानें बंद करवा दो और मर जाओ। क्या करें, कैसी सरकार है, क्या करें हम लोग? इसके बाद अभी आपकी दुकान सील हो रही है, अभी हमारी दुकान सीज करने का बोल दिया। अभी हम पूरे आप देख लिए, बिल्कुल पर्दे डले हुए हैं, सब कायदे में काम हो रहा है, कोई गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद भी हमें इतनी समस्या खड़ी कर रहे हैं तो हम क्या करें? 10 दिन हो गए, हमने कोई रोजी रोटी नहीं करी, पैसे को पैसे नहीं है जेबों में। अब हम और इससे ज्यादा क्या कर लें कि आप जो दुकानों का सामान उठा के ले जाएंगे, दुकानें बंद कर देंगे, अब हम क्या करेंगे? कलेक्टर साहब के पास गए आप? हम नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के पास गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपको दुकानें देंगे, दूसरी जगह पे दुकानें देंगे, वहाँ चालू कर। तो हमने उनसे यही बोला था कि जब तक हमें हमारी दुकानें नहीं मिल जा रही, आप हमें कोई जगह नहीं बता रहे, तब तक हमें यहाँ पर काम करने दीजिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, लेकिन अभी जो नगर पालिका की फिर से आ गए और ये फिर से सब मकान बंद करके गाड़ियों में सामान भर के ले जा रहे हैं। क्या करें हम लोग, क्या मर जाए, क्या चाह रही है गवर्नमेंट, क्या चाह रही है ये? आपकी दुकान अगर नहीं खुलती तो आगे ही क्या कार्रवाई देगी आप? आप ही बताए ना, क्या करें हम? गवर्नमेंट को छोड़ दिया हमें भूखे मरने के लिए, के मर जाओ। ऑर्डर दिए थे खुलने में, खुला नहीं बिछड़ा, ठीक है। अब कंपनी का माल पैकिंग में बिछड़ा है, हम बोला के तो बेच सकते हैं, पैकिंग करके तो बेच सकते हैं। आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा 250 ग्राम का पैक, 2 किलो का पैक, 1 किलो का पैक, आपको खुला खून कुछ नहीं दिखेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों पर आप कार्रवाई कीजिए ना। मंदिर के पास दुकान में आएंगी, कंपनियां बेच रही है पैकिंग में, उस पैकिंग का बता दो ना, हम 250 कर देंगे, 2.5 किलो का कर देंगे, 1 किलो का पैक। सीएम का, सीएम साहब ने ये कही है कि आप खुला नहीं बेचोगे, ओपन नहीं बेचोगे। कितने साल ये दुकानों, कितने साल हो गए, कितना टाइम हो गया? 20-25-30 साल का चल रही है दुकान। 3 साल से अभी, 30 साल से अभी तक कोई दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं। आप तो पैकिंग का हमको ऑर्डर दे दीजिए, हम पैकिंग करके बेचेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। पैकिंग में आपको कुछ नहीं दिखेगा, हर सामान पैकिंग में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।